Hello 10th class, today we will learn chemistry chapter 1 lecture 8. Students, last time jis tarah hum seekh chuke hain law of mass action ke bare mein, and we have discussed the general reaction about law of mass action. Clear? General reaction we have discussed. Today we will discuss derivation of the expression for equilibrium constant for general reaction. Clear? Well, let's see. Suppose if we have reaction, general reaction like this. इस तरह से ये है C and D we have here. Along with A we have capital A. Along with capital A we have smaller A and smaller B, smaller C and smaller डी. क्लियर? अब बेटा ये जो स्मॉलर ए है या स्मॉलर बी सी, ये जो स्मॉलर है ये शो करता है किसको? मोलर कंसंट्रेशन. किसको शो करता है? मोलर कंसंट्रेशन को शो करता है बेटा. ठीक है स्टूडेंट्स, जिस तरह हमने लास्ट टाइम इसको डिस्कस किया था, जिस तरह डेरिवेशन की थी, सेम उसी तरह ही करेंगे. लेकिन इसमें क्या होगा, ये जो मोलर कंसंट्रेशन है ये क्या करेंगे, ये ऊपर पावर में आ जाएगी. ठीक है, चल करके देखते हैं. ये जो फॉरवर्ड रिएक्शन है, इफ आई राइट लाइक दिस, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन की बात करें तो क्या आता है बेटा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन लॉ ऑफ मास एक्शन के मुताबिक डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या चीज़ है हमारे पास, ए, और क्या चीज़ है, ए है. और मैंने जैसे आपको पहले बात बताई, तो ये जो स्मॉलर ए है ये कब पावर में आ जाएगा. एंड देन वी हैव बी. क्लियर? अगर हम इसका ये साइन ख़त्म करते हैं तो क्या करना पड़ेगा, वी हैव टू मल्टीप्लाई विद अ कॉन्स्टेंट. सो इफ आई राइट लाइक दिस, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन आर एफ, आर स्टैंड फॉर रेट एंड एफ स्टैंड फॉर फॉरवर्ड, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन. तो अगर मैं ये प्रोपोर्शनलिटी साइन ख़त्म करता हूँ, आई विल पुट हियर इक्वल साइन, वेल एंड आई विल गेट हियर proportionality constant Kf, that means forward reaction constant. Clear? और इसको हम ऐसे लिख देंगे, A and B. Clear? इसी तरह बेटा बात करते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, इसकी बात करते हैं रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की. तो अगर बेटा रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन की बात करें तो क्या मैं इसको ऐसे डायरेक्ट लिख दूँ, आर एंड स्मॉल आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर स्टैंड फॉर रेट एंड दिस स्टैंड फॉर रिवर्स. क्लियर? तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, आर स्टैंड फॉर रेट एंड रेट ऑफ रिएक्शन रिवर्स रेट ऑफ रिएक्शन. क्लियर? दिस इज rate of reaction and this one is reverse. clear? अब ये जो R show करता है बेटा, ये reverse reaction को show करता है, और ये show करता है rate को, यानी speed को. तो क्या होगी, directly proportional to, इसके होगी directly proportional. तो ये क्या है, reverse reaction है. तो हम किस तरह लिखेंगे, याद रहे बेटा जब ये इनका इस तरह लिखना है ना, ये मोलर कंसंट्रेशन ब्रैकेट में लिखना है, तो फिर इनके दरमियान में प्लस का साइन नहीं आएगा. क्लियर? यहाँ आ गया स्मॉलर डी. ठीक है स्टूडेंट्स, और इस प्रोपोर्शनलिटी साइन को ख़त्म करने के लिए क्या करेंगे, हम किसी कांस्टेंट से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे. तो हमारे पास जो कांस्टेंट होगी वो क्या होगी, K
के आर रिवर्स डायरेक्शन की कांस्टेंट, क्लियर। ये क्या होगी, किसके साथ मल्टीप्लाई होगी, सी एंड डी के साथ, ठीक है। अच्छा बेटा, हमने ये सीखा है कि ये दोनों रेट ऑफ फॉरवर्ड और रिवर्स रिएक्शन क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। वाह, आई थिंक वी हैव लर्न अबाउट दैट रेट ऑफ फॉरवर्ड एंड रिवर्स रिएक्शन आर इक्वल। वेल, इफ दीज रिएक्शंस आर इक्वल इन डायनामिक इक्विलिब्रियम देन वी कैन राइट लाइक दिस। तो किस तरह हम लिख सकते हैं रेट ऑफ रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ रिवर्स रिएक्शन, ठीक है बेटा। अब ये क्या करेंगे, हम इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, बाय पुटिंग वैल्यूज क्या करेंगे, इनकी वैल्यूज हम पुट करेंगे, ठीक है बेटा। बाय पुटिंग वैल्यूज वैल्यूज ऑफ आर एफ एंड आर आर। अब आर एफ की वैल्यू क्या है बेटा, यहाँ पर पुट करते हैं, आर एफ की वैल्यू क्या है, यहाँ पर दिए आर एफ, आर एफ इज इक्वल टू के एफ और यह आ गया। तो क्या पुट करेंगे, आर एफ की जगह के एफ और क्या है हमारे पास, along with A we have B and this B, clear। और फिर हमारे पास इज इक्वल टू आर आर, आर आर की वैल्यू क्या है, ये है के आर, फिर क्या है हमारे पास सी है, फिर क्या है हमारे पास डी है, ठीक है बेटा। अच्छा अब हम क्या कर सकते हैं इनकी क्या कर सकते हैं, अभी इनको सिंप्लीफाई करना है, कैसे करेंगे आप कैसे करेंगे, ये जो बेटा ये जो के आ रहा है ये कहाँ, यहाँ क्या हो रहा है, इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, किसके साथ होगा, के एफ के नीचे आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है इसके साथ, इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, क्या होगा के आर इक्वल टू, अब ये इसके साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई होगा हो रहा है, तो इधर आके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, यानी ये सी डी ऊपर ही रहेगा, तो ये यहाँ से क्या होगा, इधर आके डिवाइड हो जाएगा, सॉरी, ये इस तरह से हमारे पास एक्सप्रेशन बन जाएगा। स्टूडेंट्स, अब बेटा इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आप, असल में ये हमने फाइंड किया के सी एक्सप्रेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के सी, और ये आप लिख सकते हैं सी एंड डी, ठीक है स्टूडेंट्स। और फिर हमारे नीचे हमारे पास क्या है, ए बी, क्लियर। आप ऐसे भी लिख सकते हैं, एंड यू कैन राइट लाइक दिस, के सी इज इक्वल टू के एफ ओवर के आर, ठीक है बेटा। तो ये था आपका लेक्चर, उसकी डेरिवेशन है जनरल रिएक्शन की, लॉ ऑफ मास एक्शन की, होपफुली आपको समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।